उनके अधिकारों से अवगत कराने के उद्देश्य से दुनिया भर में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यवतमाल जिले के दिग्रस तहसील कार्यालय में भी इस विशेष दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मान्यवरों ने उपस्थितों का मार्गदर्शन कर उन्हें ग्राहकों के अधिकारों से रूबरू कराया है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की रिपोर्ट। हमारे देश में आमतौर पर उपभोक्ता अर्थात ग्राहक और किसान को राजा की उपाधि दी जाती है, जैसे ग्राहक राजा या शेतकरी राजा या बड़ी राजा कहा जाता है। लेकिन लगता है कि यह सिर्फ कहने की बातें हैं, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा आर्थिक लूट केवल ग्राहक और किसानों से की जाती है, यह बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। कई बार सरकार की अनावश्यक नीतियों से तो कई व्यापारियों की चालाकी से ग्राहक और किसानों को ठगा जाता है। ऐसे में मंगलवार 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य पर दिग्रस तहसील कार्यालय के सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित मान्यवरों ने ग्राहकों के अधिकारों और उनकी समस्याओं पर प्रकाश डाला। आज ग्राहक स्वतःला बाजारपेठेचा घटक समजतो, राजा समजतो, पण बाजारात जाऊन गुलामासारखा उभा राहतो। ही पद्धत ही तळागाळात ह्या कायद्याविषयी चांगली सखोल माहिती, त्याची जागरूकता, प्रबोधन, प्रशिक्षण ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्याशिवाय ह्या कायद्याने जे शासनानं तयार केलेलं आहे, ज्यासाठी केलेलं आहे, ज्या घटकासाठी केलेलं आहे, त्या घटकानं सामोर होऊन आपलं कर्तव्य पार पाडले पाहिजे। आणि तुम्ही गोडतेल जर घ्यायला गेले तर जे गोडतेलाचे भाव 2100-2200 त्या डिब्याचे भाव आहेत, ॲक्च्युली आपण जर त्याला म्हणलं का 1600 लागा देणे, मला काही समजतच नाही। तिथं 2100 भाव आहे, तिथं तुम्ही 1600 लावता कसे? म्हणजे याचा अर्थ काय की एमआरपी ही बोगस आहे। आणि आपला हक्क आहे की कोणत्याही बाबतीत आपण त्याच्या विरुद्ध लढलो पाहिजे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का मकसद ग्राहकों को उनके अधिकारों को लेकर जागरूक करना है। इस दौरान मान्यवरों ने धोखाधड़ी के शिकार होने पर ग्राहक इसकी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में करें ऐसी सलाह दी, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में आसानी और बिना चार्ज के आपकी शिकायत का संतोषजनक हल निकाला जाता है। इसी तरह से इस दौरान जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, नापतोल में गड़बड़ी, मनमाने दाम वसूलना, बगैर मानक वस्तु की बिक्री, ठगी, सामान की बिक्री के बाद गारंटी अथवा वारंटी के बावजूद सेवा प्रदान नहीं करना जैसी ढेरों समस्याओं के बारे में मान्यवरों ने उपस्थितों को उपयुक्त जानकारी दी। कोरोना की जी लाट आली, त्या लाटीचा सगळ्यात जास्त परिणाम जर कशावर झाला असेल तर व्यवसायावर झाला, उद्योगधंद्यावर झाला, व्यापाऱ्यांवर झाला। व्यापारी वर्ग जो आहे, या व्यापारी वर्गावर सर्वात जास्त त्याचा प्रभाव झाला। आणि आपली जी क्रयशक्ती आहे ग्राहक म्हणून, ती वस्तू खरेदी करण्याची शक्ती देखील त्या काळामध्ये आपली कमी झाली, आणि त्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे जे चक्र आहे ते चक्र आपल्याला थांबलेले दिसते। आणि त्यामुळे ग्राहकांच्या हातामध्ये जोपर्यंत क्रयशक्ती आहे, वस्तू खरेदी करण्याची ताकद आहे, तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेचे चक्र हे सुरू असते। आणि जागतिक ग्राहक हक्क दिनाचं म्हणून आपण या ठिकाणी आयोजन केलं, या माध्यमातून आपण सर्वांनी या ठिकाणी उपस्थित आहात। उपस्थित असताना निवळ आपला दोन गोष्टी ऐकून जाणं किंवा त्यांचं चहा पिऊन जाणून इतर आपला आपण कार्यक्रमाला उपस्थित झालो एवढ्यावरच आपलं काम नाही, तर ही आपण प्रसिद्धी माध्यमातून वृत्तपत्र असो या आपल्या स्वतःच्या माध्यमातून असो या जागतिक ग्राहक हक्क दिनाचे प्रसिद्धी केली पाहिजे। प्रसिद्धी केली पाहिजे असे की आपण कुठल्याही प्रकारचं कोणत्याही वस्तूला खरेदी करताना बळी न पडता GST नंबर असलेला जे बिल आहे, पक्क बिल। बहरहाल हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। वास्तव में यह ग्राहकों को उनकी शक्तियों और अधिकारों के बारे में जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आज इसी महत्वपूर्ण अवसर को आयोजित ग्राहक मार्गदर्शन पर कार्यक्रम में पुलिस निरीक्षक पांडुरंग फाड़े और तहसीलदार सुधाकर राठौड़ आदि मान्यवरों की मौजूदगी में सफलतापूर्वक साकार किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन कर तहसील प्रशासन की इस पहल को वाकई प्रशंसा मिल रही है। BCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।